So, तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल वहां रह गए सभी आज जल्दी तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डैम तक एशन का कवर कर चुके थे आज हम लोग जो डाइवर्जन हेडवर्कस है क्या उसको देखेंगे स्पिलवे इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और आज केवल हम लोग थ्योरी करेंगे ठीक है क्वेश्चंस के दो सेशन में कल प्रीमियर करूंगा आपके जो कैनाल डाइवर्जन है या डाइवर्जन हेडवर्क जो रिवर ट्रेनिंग के आ, जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्वेश्चन तो साउंड कम आ रही होगी साउंड बिल्कुल कम आ रही हो क्योंकि मैं माइक कनेक्ट करना भूल गया आवाज आपको डायरेक्टली मिल रही है वॉइस थोड़ी सी नहीं जाता ही पड़ जाएगी अब ठीक है सर मैराथन सारी देखें कि क्वेश्चन करें देखो आप अगर लेक्चर एग्ज़ाम की बात है तो आप लोग ठीक है लेक्चर एग्ज़ाम की बात है तो आप लोग क्या करेंगे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए ठीक है और ए के हिसाब से भी बाद में क्वेश्चन भी करना है थके वे नहीं यार थोड़ा सा वो सर्वाइकल वाला पेन आज थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ठीक है तो एक बार को तो रहा है क्लास ना लूँ लेकिन ये क्लास आपकी काफ़ी टाइम से पोस्टपोन होती जा रही थी ठीक है तो मैंने कहा जितना भी पोर्शन निपटा सकता हूँ आज निपटा दूँ खत्म करता हूँ इसे ठीक है सुभाष तो चंद्रा जी लाइव क्लास ये वालक ठीक है तो ठीक है जल्दी से कवर करते हैं चीज़ों को एनर्जी डिसिपेटर्स में भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता है सर अब जिन भी चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहता है उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनर्जी डिसिपेटर में आपको कन्फ्यूज़न है और वहीं से क्वेश्चन आ जाए ऐसा नहीं होगा तो ये टाइम है कि एक ओवरव्यू ले लीजिए ठीक है नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो अगर आपको चैप्टर्स का सब्जेक्ट का ओवरव्यू मालूम है तो वहीं से आपके बन जाते हैं ठीक है वहीं से कर लीजिए आप ठीक है बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ये टाइम नहीं है ऐसे टॉपिक्स को डिटेल में करने का जिनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बिकॉज बहुत तरह के आपके स्पिलवेज हैं उन सब में क्या क्या डिफरेंसेज हैं कौन सा कहाँ पर यूज़ होता है इसी तरह से अलग अलग तरह के एनर्जी डिस्पेटर्स हैं कौन सा कहाँ यूज़ करेंगे क्या कंडीशन रहेंगी उनके हाइड्रोलिक जम की कंडीशन क्या होंगी उनको करने का तरीका ये होता है कि कम से कम आप पहले उनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ें फिर उन पर पचास साठ क्वेश्चंस कर लें ठीक है तब जाके वो चीज़ क्लैरिटी आती है फिर वो एक सिंगल राउंड में नहीं होगा पहले उसे आप एक बार पढ़ोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर उसे कम से कम एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा तब वो कहीं जाके डीप मेमोरी में सेटल होता है लेकिन अच्छी बात ये होती है कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं मतलब ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है ठीक है आप रिव्यूसर के पेपर्स उठा कर देख सकते हैं इसमें टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा भी तो आप उनको छोड़ सकते हैं सभी सिविल वालों का प्रयागराज एंड गोरखपुर नहीं ऐसा नहीं है ठीक है बाकी जगह भी के हिसाब से जो जहाँ का रहने वाला है शायद उसको उस तरफ का दिया गया है ब्रिज रेलवे ये सब नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत है ज्यादा क्या देखिए नहीं पढ़ना चाहिए इस समय और मत पढ़िए लेकिन अब जैसे मैराथन क्लासेस हैं ठीक है दो चार घंटे की उनको देख लीजिए तो कई बार क्या होता है कि अगर बहुत इजी क्वेश्चन आना है तो अगर आपने क्लास देख रखी है तो वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है इस तरीके से कैलकुलेटर कौन सा अलाउ है तो जनरली नाइन नाइन वन ई एस नाइन नाइन वन एम एस हंड्रेड एम एस ये अलाउ होते हैं ठीक है मतलब दिलीप इसका मतलब तुमने मेरी एक मिनट की शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है ना साठ सेकेंड की वीडियो नहीं देखी तुमने कैलकुलेटर वाली चलो मत देखो स्टार्ट कर दें फिर चलो मेरे ख्याल से जिनको आना था आगे हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है भाई तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइवर्जन हेडवर्क्स ठीक है डाइवर्जन हेडवर्क्स तो डाइजनवर्ट डाइवर्जन हेडवर्क्स समझिएगा क्या होता है जैसे आप इस एरिया को देखिए ध्यान से ठीक है तो ये कोई यहाँ पर कोई रिवर फ्लो कर रही है इस रिवर पर हमने क्या किया है यहाँ पर कुछ इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया है जिससे यहाँ वाटर का लेवल राइज करता है ठीक है और वाटर का लेवल राइज करके यहाँ से कैनाल हमारी जाती है इस कैनाल में वाटर जाएगा और फिर इस कैनाल से क्या होता है ये कैनाल से वाटर यहां आएगा और फिर यहाँ से जो ये जो फील्ड्स हैं उस वाटर को यहाँ इरीगेशन पर्पज के लिए भेज दिया जाएगा ठीक है तो हाँ ये पूरा वर्क आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है इसी को हमें क्या करना है डिटेल में पढ़ना है कि यहां से कोई ये रिवर है इस तरीके से रिवर का फ्लो हो रखा है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे बियर बनाएंगे बैराज बनाएंगे और यहाँ से हमें क्या करना होता है वाटर को इस कैनल में डाइवर्ट करना होता है इस कैनाल में हमें क्या करना होता है डाइवर्ट करना होता है ताकि हम लोग बाद में इसको इरिगेशन परपज़ के लिए यूज़ कर सके अब क्या होगा यहाँ पर जब वाटर का लेवल राइज करेगा तो जो अपस्ट्रीम साइड है अपस्ट्रीम साइड का जो एरिया है वहाँ फ्लड आ सकती है तो फ्लड से बचाने के लिए भी आपको कुछ फर्दर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा ठीक है करना पड़ेगा तो हम लोग एक एक करके चीजों को देखते जाएंगे और फिर उनको डायग्राम के थ्रू समझते जाएंगे सबसे पहले डाइवर्जन हेडवर्क तो वर्क्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू रेज वाटर लेवल एंड टू डू दैनल एंड ऑल्सो फॉर अदर पर मेन क्या है ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क जो रिवर में आपके वॉटर लेवल को राइज कर देते हैं जिससे वॉटर आपका कैनाल में क्या हो सके डाइवर्ट हो सके ठीक है देन इसमें जो सबसे पहले दो टर्म आती है आपकी बियर और बैराज और इनमें डिफ्रेंस क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं तो वॉट इज बियर इट इज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर टू रेज इट्स वाटर लेवल एंड डायवर्ट इन दल प्रोवाइडेड टू इंक्रीज दिन इसमें क्या होता है हाँ इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो बेसिकली स्ट्रक्चर के ऊपर से इस तरह से डायरेक्टली फ्लो करता है ठीक है ये इसके ऊपर से डायरेक्टली तो यहाँ पर ये यह क्या है एक बियर बनाई गई है आप देख सकते हैं इधर वाटर लेवल ऊपर है और इधर नीचे है ठीक साथ में यहाँ पर एक आपने ये ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया इसी तरह से आप देख सकते हैं यहां से जो वॉटर है इधर लेवल डाउन है इधर लेवल अप है जो वॉटर है भी ये ऊपर से क्या कर रहा है इसके फ्लो कर रहा है तो ये बीयर है नेक्स्ट इसमें आपका बेरास राइजिंग रेजिंग वाटर लेवल और पॉन्डिंग इज एक्म्प्लीस्ट मेनली बाई मीन ऑफ गेट्स तो इसमें मेनली क्या होता है गेट्स लगे होते हैं एक्चुअल में ठीक है थीके? फंक्शन दोनों का जो है वो सेम होता है अब प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ऑन वाटर लेवल। अब बात इसमें गेट्स लगे होंगे तो उन गेट्स के थ्रू कितना वाटर रिलीज करना है कितना स्टोर करना है उसको आप क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर आपको कहां दिखाई देगा तो यहां पर ठीक है यहां से वाटर आ रहा है तो यहां जो आप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करोगे यहां पर बियर और बैराज बनाई जाएगी ठीक है नेक्स्ट इसमें होता है अंडर सुलुसिस अंडर सुलुसिस क्या होते हैं दे आर ओपनिंग्स प्रोवाइडेड इन द बियर वॉल लोकेटेड ऑन दी सेम साइड ऑफ दी ऑफ टेकिंग कनाल ये इंपॉर्टेंट है तो अंडर सोल्य पहला इनका फंक्शन क्या होता है दूसरा ये कौन सी साइड में प्रोवाइड किया जाता है तो जो ऑफ टेकिंग कनाल है मतलब रिवर से जो कैनाल प्रोवाइड की जा रही है उस साइड में हम लोग क्या करते हैं अंडर सोल्यूसिस प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर देखते हैं बेसिकली अंडर सोलिस क्या है तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ठीक है दीज आर सिल्ट एक्सक्लूडर्स यहाँ पर क्या होती है आपके पास ये टनल्स होती हैं। इन टनल्स को थोड़ा सा आप और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये गेट्स लगे हुए हैं इनको हम लोग बोलते हैं गेट तो यहां से वाटर जाता है और यहाँ ये गेट्स हैं इनको आप दूसरे साइड से देख सकते हैं जैसे ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो अंडर सुल्युसेस होते हैं इनका वर्क क्या होता है बेसिकली इनका जो लेवल होगा वो रिवर के लेवल से डाउन होगा तो कैनाल साइड में लेवल डाउन होने से वाटर क्या होगा अंडर सोल्यूस की तरफ जाएगा अंडर सुल्यूसिस की तरफ जाएगा ठीक है बीच में एक डिवाइड वॉल होती है तो यहां से वाटर जाएगा और इधर से फिर हमें क्या है कैनाल में वाटर को डाइवर्ट करना आसान हो जाएगा पहली बात दूसरी बात लेवल डाउन होने से क्या होता है जब इधर वाटर जाएगा तो जो नीचे का वाटर होता है उसके अंदर सिल्ट ज़्यादा होती है उसके अंदर क्या होती है सिल्ट ज़्यादा होती है तो वो सिल्ट वाला वाटर जो है वो यहाँ से जाएगा इनमें से ठीक है और यहाँ पर क्योंकि गेट लगे होंगे तो हम चाहेंगे तो उस सिल्ट को यहीं पर रोक भी लेंगे और यहाँ से हटा सकते हैं और जो ज़्यादा क्लीन वाटर होगा वो यहाँ ऊपर रहेगा और यहाँ पर इन गेट्स के थ्रू इसको हम बोलेंगे कैनाल रेगुलेटर इस साइड में शिफ्ट कर जाएगा ठीक है तो कैनाल में वाटर जो है वो रिलेटिवली साफ जाएगा ठीक तो है तो यहाँ पर ये आपका अंडर सुलिस वाली साइड है ये जो छोटी छोटी टनल्स हैं ये आपकी सिल्ट एक्सक्लूडर का काम करती हैं सिल्ट एक्सक्लूडर मतलब पहले से ही सिल्ट को एक्सक्लूड कर देती हैं इधर ये कैनाल वाली साइड में सिल्ट को आने ही नहीं देती हैं समझ गए तो ये आपका अंडर सुलिस हो गया यहाँ पर आपके पास एक डिवाइडर वॉल होती है ठीक है डिवाइडर वॉल के अंदर ही आपकी जो है ये फिश लेडर होती है फिश लेडर फिश लेडर का वर्क आप जानते हैं ठीक है तो फिश लेडर में क्या होता है वाटर जब घूम घूम कर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है तो जो फिशेज हैं, उनको अपस्ट्रीम साइड में देखो डाउन स्ट्रीम साइड में तो जो फिशेज है वो वाटर के साथ फ्लो के साथ चल ही जाएंगी प्रॉब्लम उन्हें होती है अपस्ट्रीम साइड में जाने तो अगर आप आते हुए पानी की स्पीड को कम कर दोगे तो जो फिशेज हैं वो इजिली मछलियां इजिली क्या कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम साइड से अप स्ट्रीम साइड में जा सकती हैं ठीक है अप स्ट्रीम साइड में जा सकती हैं इस तरह से ये बन, है है ठीक इस डायग्राम में आप इस तरह से देख सकते हो कि वाटर जो है वो इस तरीके से जाएगा तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो हम लोग बात कर रहे थे अंडर सोलिसिस की तो पहली बात अंडर सोलिसिस क्या होंगे दे आर ओपनिंग्स और गेटेड ओपनिंग्स

द क्रेस्ट ऑफ द अंडर शुड बी एटलीस्ट वन पॉइंट टू मीटर लोअर हेड रेगुलेटर तो मैंने बताया था कि अंडर का जो लेवल है वो हम लोग क्या करते हैं कम करके बनाते हैं ठीक है उसको हम लोग कैनाल रेगुलेटर से क्या कर रखते हैं नीचा रखते हैं जो है वो नीचे और ये कैनाल रेगुलेटर का लेवल जो है वो ऊपर है तो ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी 1.2 मीटर 1.2 मीटर ठीक है अगर अलग से कोई प्रोविजन नहीं है तो नेक्स्ट है डिवाइड वॉल डिवाइड वॉल क्या होती है इट इज कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल टू द बियर तो अगर ये बियर है तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो आपकी डिवाइड वॉल होगी ठीक है क्या होगी डिवाइड वॉल होगी इसका फंक्शन क्या है ठीक है कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल टू दी एक्सिस फ्रॉम द बीयर ठीक है टू प्रोवाइड क्लियर वाटर टू कैनाल तो इधर क्या होता है एक बेसिकली जो वाटर रहेगा अंडर सुलुस साइड में वो शांत रहेगा ठीक है उसमें बहुत ज्यादा एडिस फॉर्म नहीं होंगी क्योंकि आपको मालूम है अगर एडिस फॉर्म होंगी तो सिल्ट का सेडिमेंटेशन नहीं होगा सिल्ट तली में बैठेगी नहीं ठीक है तो क्रॉस करेंट्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाती हैं कि वर्ड याद रखेंगे क्या होगा क्रॉस करेंट्स क्रॉस करेंट्स प्रोड्यूस ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं डिवाइड वॉल्स जो है प्रोवाइड करते हैं डिवाइड वॉल्स प्रोवाइड करते हैं डिवाइड्स वॉल के भी आप डायग्राम देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर तो यही आपकी डिवाइड वॉल है इसी में फिश लेडर बनी हुई है ठीक है तो मेन रिवर को ये जो आपके अंडर हैं उससे क्या कर रही है डिवाइड कर रही है और इसके और भी डायग्राम हमारे पास हैं है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं ये आपके इस तरह से डिवाइड वॉल जो है वो बनी हुई है तो इससे क्या होता है यहाँ से जो वाटर आता भी है इधर भी अगर इस साइड में भी हम लोग ले रहे हैं तो स्टेट चैनल्स बन जाते हैं ठीक है कम विथ के चैनल्स बन जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्रॉस करेंट्स डेवलप नहीं होंगे ठीक सिल्ट ठीक है बहुत बार एग्जाम में आता है सिल्ट एक्सक्लूडर कहां पर होता है और सिल्ट एक्स इजेक्टर तो इन दो टर्म पर विशेष ध्यान देना है एक तो सिल्ट एक्सक्लूडर और एक सिल्ट एक्सट्रैक्टर और सिल्ट इजेक्टर तो देखो बेसिकली ये सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर दोनों कैनाल के टर्म में आपने सोचना है इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए आपको क्या बताए इनको कैनाल के टर्म्स में सोचना है इस तरीके से बाद में आपको बताएंगे कि एक्ट और सुपर पैसेस को हमें रिवर की टर्म्स में सोचना है लेकिन सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर को हमने कैनाल के टर्म्स में सोचना है इसका मतलब क्या है तो एक्सक्लूड करने का मतलब क्या होता है तो एक्सक्लूड करना इंक्लूड का उल्टा होता है एक्सक्लूड जो होता है वो इंक्लूड का रिवर्स होता है मतलब कैनाल में सिल्ट इंक्लूड ना हो यानी कि कैनाल के वाटर में सिल्ट जाए ही ना तो कैनाल में सिल्ट पहुंचने से पहले ही रोक देना ये किसका काम होता है सिल्ट एक्सक्लूडर का इजेक्टर क्या होता है कि कोई चीज आ गई है अब उसको इजेक्ट करना बाहर फेंकना तो अगर कुछ सिल्ट कैनाल में पहुंच भी गई तो उसको वहां से बाहर फेंकने के लिए हमें क्या करना है सिल्ट इजेक्टर यूज करना है तो सिल्ट इजेक्टर जो होते हैं वो कैल कैनाल साइड में होते हैं जबकि जो सिल्ट एक्सक्लूडर होते हैं वो कैल हेडवर्क पर अंडर साइड में होते हैं ठीक है रिवर साइड में होते हैं इट एक्सक्लूड्स और प्रिवेंट्स सिल्ट फ्रॉम एंटरिंग द दल ठीक है सिल्ट को कैनाल में एंटर करने से रोक देंगे इट इज प्रोवाइडेड ऑन द रिवर बेड इन फ्रंट ऑफ द हेड रेगुलेटर ठीक है तो ये मैंने आपको अभी ये दिखाया था ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके, ये आपके जो स्ट्रक्चर है यही आपके क्या करेंगे सिल्ट का वर्क करेंगे ठीक है ये तो जब वाटर जाएगा ठीक है तो यहां पर लेवल डाउन होने की वजह से वाटर यहाँ नीचे जाएगा तो जो सिल्ट जो बॉटम लेयर्स में सिल्ट ज़्यादा होगी वो यहाँ नीचे पहुँच जाएगी और रिलेटिवली जो क्लीन वाटर होगा वो यहाँ कैनाल में एंटर करेगा यहाँ पर ये यह कैनाल में हमने गेट्स वगैरह लगाए हुए हैं इन सब कैनाल में एंटर करने वाले वाटर को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है, है? यहाँ से तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये यह जो टनल्स हैं ये आपके सिल्ट एक्सकूटर का वर्क करेंगे यहाँ पर हमने ये गेट्स लगे हुए हैं इन गेट्स को हम लोग अलग अलग लेवल तक ओपन कर सकते हैं तो हम चाहें तो यहाँ से सिल्ट को डाउन स्ट्रीम साइड में डाउन स्ट्रीम साइड में जाना उसका अलाउ भी कर सकते हैं और जब फ्लो बहुत कम है ऐसे साइड में ठीक है हम यहाँ पर गेट्स को बंद करके रखेंगे तो यहाँ पर सिल्ट काफी सिल्ट जो है वो इकट्ठी हो जाएगी उसको बाद में क्या किया जाएगा क्लीन आउट कर सकते हैं ठीक है तो ये आपका क्या हो गया सिल्ट एक्सक्लूडर हो गया जबकि सिल्ट इजेक्टर क्या होगा ठीक है तो इस साइड में अब देखिए ये कैनाल रेगुलेटर है यहां से वाटर जो है वो कैनाल में एंटर करेगा इस वाटर के साथ कुछ ना कुछ सिल्ट जो है वो एंटर कर जाएगी ठीक है एंटर कर जाएगी अब देखिएगा सिल्ट इजेक्टर हम लोग कहाँ लगाएंगे अब देखिएगा तो यहाँ से कैनाल में वाटर एंट्र कर गया तो ये हमारी क्या है कैनाल है तो यहाँ पर क्या होता है कुछ आगे जाकर यहाँ पर उसका डायग्राम मेरे पास नहीं है यहाँ पर कुछ अंडरग्राउंड टनल्स होती है यहाँ पर इस तरीके से टनल्स बन जाती हैं ये टनल्स अंडरग्राउंड होते हुए बाद में रिवर रिवर में ही इसको डाउन साइड में मिला दिया जाता है तो यहां से क्या होता है जो इसकी जो बॉटम लेयर्स का वाटर होता है वो इन टनाल इन टनल से होता हुआ अंडरग्राउंड टनल से होता हुआ इधर चला जाएगा ठीक है तो ऊपर का जो क्लीन क्लीन वाटर होगा वो आगे बढ़ जाएगा और जो हैवी वाटर होगा जिसमें सिल्ट होगी वो आपका क्या जाएगा उन टनल्स के थ्रू डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाएगा तो ये क्या करना रहे हैं सिल्ट एजेक्टर क्या काम कर रहे हैं कैनाल में जो सिल्ट आ गई है उसको इजेक्ट आउट बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं ठीक है थीके? तो मेरे ख्याल से आपको ये सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट एक्सटेक्टर या सिल्ट इजेक्टर दोनों का फंक्शन समझ में आ गया होगा और दोनों को कहा प्रोवाइड करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा सो दे रिमूव दिल्ट विच है समझ गए इट इज प्रोवाइडेड इन दल तो इसको हम लोग कहां प्रोवाइड कर रहे हैं कैनाल में प्रोवाइड कर रहे हैं कहा प्रोवाइड कर रहे थे बता भी दिया ठीक है दे आर प्रोवाइडेड टू अलाउ माइग्रेशन ऑफ फिश फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम टू अप्रीम साइड ठीक है गाइड बंड एंड मार्जिनल बंड इज रिवर प्रोटेक्शन वर्क तो ये जो गाइड बंड होते हैं और जो मार्जिनल बंड होते हैं आर रिवर प्रोटेक्शन वर्क ये कहां पर है तो ये भी आपको दिखा दिए तो अगर हम यहां इस इस डायग्राम में देखें तो आपको यहां पर ये इस तरीके से वर्क बनते हुए दिख रहे हैं यहां पर इस तरीके से जाते हैं लॉन्गर साइड में ठीक है ये कर्व्स रहते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत एक लंबी रेंज में इस तरीके के वर्क होते हैं यहाँ पर आपको बने हुए दिखाई देंगे ठीक है और इसको अगर हम लोग इस वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पर तो यह, यह आपके पास गाइड वन है इनका काम क्या होता है ठीक है यहाँ पर ये ये आपके पास मार्जिनल क्या कर रहे हैं कि इधर जब वाटर लेवल राइज करेगा तो भाई वाटर रुकेगा कैसे वो तो इस एरिया में आ जाएगा तो आसपास का जो एरिया होगा वहां फ्लड आ जाएगी तो वहां पर पानी को जाने से रोकेंगे ठीक है दे आर बेसिकली काइंड ऑफ रिवर प्रोटेक्शन वर्क के अंडर में हम इनको बोलते हैं ठीक है तो ये कुछ कॉम्पोनेंट हो गए आपके वर्क के ठीक है देन कॉजेज ऑफ फेलियर्स ऑफ रिवर्स इसमें आपको एक दो थ्योरी पढ़नी ही होती है जैसे क्रीप बिलिक्स क्रीप थ्योरी और खोसला थ्योरी कभी कभी उस पर एक आधा क्वेश्चन आ जाता है बहुत ईजी है थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन बना पाएंगे और कल जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन दूंगा उसमें उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा सो पाइपिंग और अंडर ठीक है पाइपिंग so, फेलियर हम लोगों ने ऑलरेडी सॉइल मैकेनिक्स में कर रखी है जब सीपेज होती है ठीक है मान लीजिए यही हमारा कोई डैम बना लो तो यहां से अगर सीपेज हो रही है वाटर इस तरीके से जा रहा है ठीक है तो अगर सीपेज होने लगी तो यहां से वाटर क्या करता है अपने साथ यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उन सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ वाटर ले जाने लगता है ठीक है तो अंडर पाइपिंग पाइपिंग या अंडर कहां से स्टार्ट होगी कहां से स्टार्ट होगी डाउन स्ट्रीम साइड से ठीक है और उसके लिए हम लोग क्या करते थे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट g माइनस वन अपॉन वन प्लस ई याद है इसको हम लोग चेक करते थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते सब सोइल मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है तो अब जो आपके पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है ये क्या होता है हेड लॉस अपॉन लेंथ तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी मतलब जितना लंबा पाथ वाटर को ट्रेवल करना पड़ेगा उतना ही आपका क्या होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम होगा और पाइपिंग पाइपिंग की दिक्कत जो है वो उतनी ही कम होगी तो हम लोग करते क्या है उसके लिए कि ये जो फ्लोर है ये जो फ्लोर आपको दिख रहा है ये फ्लोर इम्परवियस फ्लोर है ये स्टोन का होगा या आरसी कंक्रीट का होगा ये इम्परवियस फ्लोर हो गया लेकिन अभी भी क्या होगा अभी भी क्या होगा यहां से वाटर आपका जाएगा जब तो केवल उसको ये जो लेंथ है केवल इतनी लेंथ मिल रही है तो हम लोग लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं इस तरह से सीट पाइल्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं दीज आर वर्टिकल वॉल्स दीज आर वर्टिकल वॉल ठीक है इसको आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं ठीक है ये मतलब बेसिकली सब लोग पानी के अंदर जाकर देख रहे हैं हम लोग ये कैनाल है ये रिवर है तो अब क्या होगा इधर से वाटर आएगा तो पहले नीचे जाएगा फिर ये ऊपर जाएगा फिर ये इस तरीके से आते हुए फिर ये नीचे जाएगा फिर ये ऊपर आएगा तो ये वर्टिकल वॉल्स प्रोवाइड करने से क्या हो गया जो टोटल लेंथ है वो बढ़ गई तो उससे आप क्या कर देते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कम कर देते हैं आई की वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है ठीक है तो ये वर्टिकल डिस्टेंसेज हो गई और यहाँ से आपके पास ये क्या हो गई हॉरिजेंटल डिस्टेंसेज हो, डिस्टेंसे हो गई तो हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी और आई के क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट से कम होने के चांसेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे तो फेलियर को हम लोग क्या कर सकते हैं इससे अवॉइड कर सकते हैं फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं ठीक है तो पाइपिंग और अंडरमाइनिंग तो इट इज प्रोग्रेसिव इरोजन इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन दैट इज टूवर्ड्स अपस्ट्रीम ठीक है तो प्रोग्रेसिव इरोजन इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या फ्रॉम डाउन फ्रॉम डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम टू अप्रीम मेजर्स टू प्रिवेंट पाइपिंग पाइपिंग को कैसे रोका जा सकता है तो प्रोवाइडिंग सफिशियंट लेंथ ऑफ इम्परवियस फ्लोर सो दैट पाथ ऑफ परकुलेशन इज इंक्रीज एंड ठीक है भाई तो आप सफिशियंट लेंथ ऑफ इंपरवे फ्लोर प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपका क्या हो जाएगा एग्जिट ग्रेडियंट घट जाएगा ऑल्सो बाई प्रोवाइडिंग और आप क्या कर सकते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एंड जाएगा आपको कुछ भी भी मिल जाएगी. वर्टिकल डिस्टेंस भी मिल जाएगी. जाएगी. ठीक है? है? पहला तो ये हो गया. दूसरा क्या होता है? अप्लिफ्ट प्रेशर. अप्लिफ्ट प्रेशर से पता चला कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर को उठ गया तो उससे भी जो है हो सकती है तो अपलिफ्ट प्रेशर को कैसे आप रजिस्ट करेंगे फ्लोर का आप सफिशियंट थिकनेस प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर हैवी रहेगा ठीक है दूसरा प्रोवाइडिंग शीट पाइलेट अपस्ट्रीमेंट ठीक है अपस्ट्रीमेंट पर सीट पाइल प्रोवाइड करके थर्ड है रप्चर ऑफ फ्लोर ड्यू टू तो सक्शन कॉज बाय हाइड्रोलिक जंप हाइड्रोलिक जंप के तुल तो जो सक्शन इफेक्ट होगा उससे जो फ्लोर है वो ब्रेक कर सकता है आपका ठीक है ये सारी चीजें इसके लिए भी आप क्या कर देंगे थिकनेस जो है वो प्रोवाइड करेंगे देन स्का ऑन अपस्टीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ बियर ड्यू टू हेवी वेलोसिटीज ऑफ रिवर फ्लो तो अपस्टीम और डाउन स्ट्रीम साइड में स्कावरिंग हो सकती है इसके लिए आप लोग क्या करेंगे सीट पाइल्स प्रोवाइड करेंगे अपस्टीम और डाउन स्ट्रीम साइड में उसे स्कावरिंग जो है वो कम हो जाएगी ठीक है प्रोवाइडेड लॉन्चिंग एप्रॉन ऑन अप्रीम एंड डाउन स्ट्रीम साइड सो दैट स्टोन्स ऑफ एप्रॉन्स में सेटल इन टू स्का ठीक है तो वहां पर हम लोग स्टोन की पिचिंग कर देंगे तो अगर स्कावर होल्स बनेंगे भी तो उनमें क्या हो जाएंगे स्टोन जो है वो फिट हो जाएंगे और वहां से फर्दर सॉइल को लूज करने से बचा लेंगे ठीक है ये रहेगा आपका क्रॉस सेक्शन अभी हम लोग इसमें आगे फिर आपका ब्लिक्स क्रिप ब्लिक्स क्रिप थ्योरी पढ़ते हैं बट उसके पहले आपका क्रॉस सेक्शन है ये बियर का जो हमने पढ़ा है उसी को यहाँ पर क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में दिखा रखा है ठीक है तो जो मैंने आपको यह आपका इम्परवियस फ्लोर हो गया यहाँ पर ये बियर बनाई गई है ठीक है यहाँ वाटर लेवल आपका बढ़ गया है यह आपका इधर लॉन्चिंग एपरॉन हो गया ठीक है इधर इन्वर्टेड फिल्टर होता है इन्वर्टेड फिल्टर का मतलब क्या होता है जनरली फ़िल्टर में वाटर ऊपर से नीचे जाता है बट यहाँ पर वाटर सीपेज के थ्रू नीचे से ऊपर की ओर जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो स्टोन्स होते हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को वाटर के साथ ऊपर जाने से रोकते हैं तो ये

वर्टिकल प्लस इन्वर्टेड फिल्टर बेटा कुछ नहीं पत्थर है यहाँ पर पत्थर बिछा दिए आपने यहाँ पर बस स्टोन है और कुछ नहीं है ठीक है जैसे फिल्टर में क्या होता था जो नॉर्मल हम लोग फिल्टर पढ़ते थे एनवायरमेंट में उसमें क्या होता था ग्रेवल होता था और ग्रेवल के ऊपर सैंड होती थी जो हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ते थे तो नीचे ग्रेवल होती थी और ग्रेवल के ऊपर क्या होती थी सैंड होती थी ग्रेवल के ऊपर सैंड होती थी और इसमें से क्या होता था जो वाटर है वो वाटर इसमें से छन कर नीचे जाता था यही तो होता था ग्रेविटी फिल्टर में अब इसको उल्टा कर दो अब इसको उल्टा कर दो ऐसे तो पत्थर ऊपर हो गए सॉइल नीचे हो गई अब पानी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये जो पत्थर है ऊपर वो क्या यहाँ से सॉइल पार्टिकल को ऊपर जाने देंगे नहीं जाने देंगे बस इतना है ठीक है नाम में ही सब कुछ मालूम चल रहा है इसके ठीक है इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना मैंने की कौन सी साइड में प्रोवाइड किया जाता है और इसका फंक्शन क्या है तो क्रीप लेंथ क्या होती है जो मैंने आपको बताया टोटल लेंथ जो वाटर को अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड जाने में ट्रेवल करना पड़ेगा वही आपकी क्या है क्रीप लेंथ और इसमें आपका क्या होगा वर्टिकल प्लस हॉरिजेंटल टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं एड करते हैं ठीक है अभी इसको हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे भैया अभी मार्गदर्शन यही है कि फिलहाल पढ़ लीजिए बाकी बात है बाद में तो फ्लोर इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज क्रीप लेंथ एंड टू लेंट अपलिफ्ट प्रेशर ऑन डाउन स्ट्रीम साइड ठीक है स्मॉल लेंथ स्मॉल थिकनेस एंड मोर लेंथ ऑन अप्रीम साइड मोर थिकनेस ऑन डाउन स्ट्रीम साइड क्योंकि डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ठीक है कट ऑफ आपको बता दिया जो वर्टिकल सीट पाइल्स लगाई गई हैं उन्हीं को हम लोग कट ऑफ भी बोलते हैं टू इंक्रीज क्रीप लेंथ एंड देर वाई रिड्यूसिंग दी हाइड्रोग्रेडियंट तो हमने ये जो ये जो वर्टिकल सीट पाइल दी है जो वर्टिकल वॉल दी है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं कट ऑफ भी बोलते हैं उन्हीं का दूसरा नाम क्या है कट ऑफ इनवर्टेड फिल्टर आपको बताइए फ्रॉम बॉटम टू टॉप ठीक है समझ गए नॉर्मल फिल्टर में क्या होता है नीचे की तरफ परमेबिलिटी बढ़ती है यहाँ पर उल्टा है ठीक है परमेबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो टॉप में परमेबिलिटी सबसे ज्यादा नीचे परमेबिलिटी सबसे कम तो so, ऊपर स्टोन फिर उससे कम परमेबिलिटी फिर उससे कम परमेबिलिटी इस तरीके से ठीक है इट इज प्रोवाइडेड ऑन डाउन स्ट्रीम आफ्टर दी इम्परवियस फ्लोर टू रिलीव अपलिफ्ट प्रेशर तो इस आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर रोड साइड में कटआउट्स लगे होते हैं ये एडवर्टाइजमेंट वाले ठीक है लोहे के तो इनमें छोटे छोटे होल्स बना दिए जाते हैं ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं तो पहले मुझे लगता था कि इनमें से लाइट आती है तो अच्छा होगा ठीक है बट बाद में जब ये फिनोमिना समझ में आया कि प्रेशर इनटू एरिया जो होता है फोर्स देता है सोचो अगर ये बिल्कुल सॉलिड हो ये हल्के बहुत हल्के होते हैं ये अब इनमें हवा टकराएगी एरिया ज़्यादा है तो क्या कर जाएंगे भाई ये गिर जाएंगे साइन बोर्ड्स तो इनमें क्या कर देते हैं इस तरह से होल्स कर देते हैं तो इन होल में से होकर क्या हो जाती है एयर आराम से पास कर जाती है जब एयर इनमें से निकल जाएगी तो क्या इस पर प्रेशर एग्जर्ट होगा हो नहीं होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम करने के लिए सेम चीज़ यहाँ पर है तो वाटर जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वो अपलिफ्ट प्रेशर लगाएगा लेकिन अगर आपने उस वाटर को रिलीज होने दिया उसकी सीपेज आपने अलाउ कर दी उसकी सीपेज आपने क्या कर दी अलाउ कर दी और जब सीपेज अलाउ कर दी तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या हो जाएगा रिलीव हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो इट अलाउज सीपेज वाटर टू विदाउट विदाउट याद रखिएगा डिसलोकेटिंग विदेगाटिंग दिस दॉल पार्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तो अगर पार्टिकल डिसलोकेट हो गए तो आप एक समस्या से बचोगे और दूसरी समस्या में फंस जाओगे ठीक है आप एक समस्या से बचेंगे और दूसरी समस्या में फंस जाएंगे ठीक है धन्यवाद पता चला कि अपलिफ्ट प्रेशर से बच रहे थे लेकिन पाइपिंग स्टार्ट हो गई तो इनवर्टेड फिल्टर से के द्वारा फिल्टर के द्वारा आपने अपलिफ्ट प्रेशर को कम कर दिया और पाइपिंग भी नहीं होने दी देन लॉन्चिंग एप्रन और परवियस एप्रन इन्वर्टेड फिल्टर के आगे इसको प्रोवाइड किया जाता है इट इज लूजली पैक्ड स्टोन टू प्रोटेक्ट दस फ्लोर एंड शीट पाइल फ्रॉम स्का जैसे मान लीजिए यहां पर आपने इस तरह से वर्टिकल कट ऑफ प्रोवाइड किए तो पहले मान लीजिए पाइपिंग यहां पर स्टार्ट हुई पाइपिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई जब यहाँ की सॉइल चली जाएगी तो फिर यहाँ की भी जाने लगेगी जब यहाँ की जाने लगेगी तो यहाँ की भी जाने लगेगी समझ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं अगेन आप स्टोन्स का एक अपरन प्रोवाइड कर देंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे लॉन्चिंग एपरन बोलेंगे ठीक है इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो ये रहा। तो ये आपका इन्वर्टेड फिल्टर और यहाँ पर आपका क्या हो गया लॉन्चिंग एपरन हो गया देन आपका ब्लॉक प्रोटेक्शन ये इसको हम लोग कहाँ करते हैं अपस्टीम साइड में प्रोवाइड करते हैं इमिडिएटली एट दी अपस्टीम एंड ऑफ इम्परवियस फ्लोर टू प्रोटेक्ट इम्परवियस फ्लोर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्कावरिंग तो इसका जो मेन पर्पज होता है वो अपस्टीम साइड में स्कावरिंग से बचाने के लिए होता है दिस इज मेड ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक्स और स्टोन ब्लॉक्स ओवर अ बेड ऑफ लूज स्टोन पैकिंग दि जॉइंट आर फिनिश्ड विद सीमेंट मोर्टार और इसीलिए इसका नाम क्या है ब्लॉक प्रोटेक्शन है ठीक है अब है इसका जो थोड़ा सा आपका ज्यादा समझने वाला पार्ट है डिजाइन ऑफ ब्लिक्स क्रीप थ्योरी 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 तो बिलिक्स क्रीप को समझने के लिए आपको क्रीप लेंथ समझ में आनी चाहिए ठीक है क्रीप लेंथ समझ में आनी चाहिए आप ठीक है क्लास थोड़ा ऐसे चलेगी कि हमको लाइव क्लास भी प्रीमियर लगेगी ठीक है चलो फिलहाल पढ़ो ध्यान दीजिए मैंने बोला था कि पहले केवल ही आपके पास हॉरिजेंटल लेंथ थी लेकिन बाद में हमने कट ऑफ लेंथ प्रोवाइड कर दी अच्छा दो कट ऑफ तो आपने प्रोवाइड करनी है अप स्ट्रीम साइड में और डाउन स्ट्रीम साइड में इसके अलावा आप इंटरमीडिएट कट ऑफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो मान लीजिए आपने ये अप स्ट्रीम साइड ये डाउन स्टीम साइड और ये इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर जो हॉरिजोनटल लेंथ है उसको हमने बी से दिखा दिया अब देखिए वाटर यहाँ आया और फिर जैसे ये ऊपर की ओर ठीक है क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है नीचे प्रेशर ज्यादा है तो वाटर यहाँ से आएगा तो ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा तो D1 नीचे गया और फिर D1 ऊपर गया ठीक है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो 2D1 होगी इस तरीके से यहाँ नीचे और फिर ये ऊपर गया तो यहां पर क्या होगा 2D2 होगी इसी तरह से यहाँ क्या होगा 2D3 होगी तो वर्टिकल कितनी हो गई टू टाइम्स D1 वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री और हॉरिजेंटल कितनी हो गी? B होगी सबको आपने ऐड कर दिया तो आपको क्या गया क्रीप लेंथ मालूम चल गई अब हेड लॉस कितना है मान लो यहाँ पर हेड इतना है और यहाँ हेड आपका इतना है तो जो टोटल हेड लॉस है वो कितना हो गया h का हो गया तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी h अपॉन टोटल क्रीप लेंथ क्रीप लेंथ यही आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया बस इतना है हाँ जरूरत होगी तो और लगा देंगे ठीक है क्रीप लेंथ हमें बढ़ाना है क्रीप लेंथ बढ़ाएंगे तो i की वैल्यू कम हो जाएगी तो बिलिक अज्यूम दैट दी परकुलेटिंग तो वाटर क्रीप्स अलॉन्ग दी बेस प्रोफाइल ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद दॉइल ठीक है तो वॉटर यहां पर क्या हो रहा है ये जो इसका बेस प्रोफाइल है इसके साथ कॉन्टेक्ट में जाते हुए आगे की ओर फ्लो कर रहा है इंक्रीज कर रहा है सो नेक्स्ट वॉट इज क्रीप लेंथ तो क्रीप लेंथ मैंने आपको बता दिया बट स्टिल पढ़ लेते हैं दी लेंथ ऑफ पार्थ ट्रेवर्स बाई परकोलेटिंग वाटर जो परक्यूलेटिंग वाटर है ठीक है ये जितनी लेंथ ट्रेवल करता है उसी को हम लोग क्या बोलते, है? क्रीप बोलते हैं आपसे आप एग्जाम में केवल इतने पार्ट पर क्वेश्चन पूछ ले ठीक है आपको डायग्राम बनाकर दे दे और वर्टिकल और हॉर्जेंटल डायमेंशन दे दे और आपसे क्रीप लेंथ पूछ ले तो आप क्या करेंगे वर्टिकल को जोड़कर डबल करके उसमें हॉर्जेंटल ऐड कर देंगे उटोले दे देते हैं उस थ्योरी पर दो या तीन पार्ट दे, दे देते हैं और उसमें ट्रू और फॉल्स पूछ लेते हैं ठीक है तो जैसे तीन पॉइंट बना दिए उसमें पहले में क्रीप लेंथ हो गया दूसरे में ये वाला पॉइंट हो गया तीसरे में कुछ और पॉइंट दे दिया फिर पूछ लेगा

लेकिन अगर मुझे किसी एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर अगर मुझे रिमेनिंग हेड हेड रिमेनिंग कैलकुलेट करना हो या यहाँ तक का हेड लॉस कैलकुलेट करना हो तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे यहाँ पर जो हेड वो कितना होगा तो या यहाँ तक का पहले हेड लॉस निकाल लो तो हम क्या कहेंगे कि एल लेंथ में कितना है एच है तो वन में कितना होगा एच अपॉन एल और ये क्या हो गया कॉन्स्टेंट तो एक्स लेंथ में कितने का हेड लॉस हो जाएगा तो एच अपॉन एल इंटू एक्स का लॉस कर गया तो बचेगा कितना एच में से इसको माइनस कर देंगे तो उतना हेड लॉस क्या होगा बचेगा उतना हेड लॉस आपका यहां पर बचेगा ठीक है नेक्स्ट इसमें एक टर्म होती है ये भी आपसे पूछ सकता है ब्लिक क्रीफ कोफिश ये क्या होता है तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल होता है ये क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो आई क्या है एच अपॉन एल तो सी बराबर वन अपॉन आई है तो ये क्या हो जाएगा एल अपॉन एच अब ये रेसिप्रोकल कैसे दिमाग में आया कि मुझे रेसिप्रोकल डिफाइन करना तो बेसिकली क्या किया कि मुझे हेड मालूम है कि हेड लॉस इतना होना है ये नोन क्वांटिटी होती है एच ठीक है ये क्या होती है नोन क्वांटिटी होती है तो मुझे अगर इस पूरे एच को डिसिपेट करना है तो मुझे कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी तो रिक्वायर्ड लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम इस एच को क्या कर देते हैं सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस पर एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल बन सकता है दोनों साइड में हेड लेवल आपको दिखा रखे होंगे ठीक है तो दोनों साइड में आपको हेड लेवल जो है वो दिखा रखे होंगे जिससे आप हेड लॉस निकाल लेंगे और क्रीप कोफिशंट की जो ये क्रीप कोफिशेंट सी है इसकी वैल्यू आपको मालूम होगी और आपसे क्रीप लेंथ पूछेगा तो कुछ नहीं करना दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे आपको क्रीप लेंथ मालूम चल जाएगी और ये क्रीप लेंथ है क्या क्रीप लेंथ है कि वाटर को हम लोग कितना ट्रेवल करवाएं वाटर को हम लोग कितना ट्रेवल करवाएं कि इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाए जो भी हेड है वो सारा का सारा क्या हो जाए फ्रिक्शन के अगेंस्ट हेड लॉस कर जाए हेड क्या कर जाए लॉस कर जाए आ रही है बात समझ में हां जी सभी को समझ में आ रहा है कोई समस्या तो नहीं बताइए चल रहा है फिलहाल यहां तक क्लियर है क्रीप लेंग समझ में आ गया क्रीप कोफिशन समझ में आ गया क्रीप कोफिशन की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई ठीक है देन सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग तो एज पर बिलीक टू अवॉइड पाइपिंग द मिनिमम लेंथ ऑफ क्रीप एल इज टू क्या हो जाएगा सी इन टू एच हो जाएगा ठीक है या कि ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई है ये वन अपॉन सी से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए अरे सन्यासी महाराज आप क्या कर रहे हैं आप तो सारी मोहमाए से पहले ही दूर हैं फिर भी यहां चलिए वर्स्ट कंडीशन क्या होगी बता रहे हैं। वर्स्ट कंडीशन इज दें वॉटर लेवल ऑन अप्रीम साइड इज मैक्सिमम एंड नो वाटर होगा ठीक है वॉटर लेवल अप स्ट्रीम साइड में मैक्सिमम है और डाउन स्ट्रीम साइड में क्या है मिनिमम है तो वह आपका वर्स कंडीशन बन जाएगा ना दैल्यू ऑफ सी वर इज फ्रॉम फाइव टू एटीन

नाउ सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर तो वो था पाइपिंग के लिए अब है अपलिफ्ट प्रेशर के लिए तो एज पर बिलिक्स थ्योरी थिकनेस टू बी प्रोवाइडेड बाई टेकिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ फोर बाई थ्री ठीक है फोर बाई थ्री तो जो थिकनेस निकालते हैं हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से फोर बाई थ्री एच अपन थ्री जी सी माइनस वन ठीक है भाई दिलीप जी यह आपका हो गया के अपलिफ्ट के लिए जहाँ पर h क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्लोर gc क्या रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोर मेटल जो कि हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं कंक्रीट कर रहे हैं ठीक है देन इसकी सर्टेन कुछ लिमिटेशंस हैं ब्लिक स्क्रिप थ्योरी की पहला नो डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रीप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रीप में इसने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया दूसरा नो डिस्टंक्शन बिटवीन इफेक्टिवनेस ऑफ आउटर एंड इनर ऑफ सीट पाइप तो जैसे आप स्टीम साइड में ये आपकी आउटर साइड है और ये इनर साइड है तो इसमें इसने कोई डिफरेंस जो है वो कंसीडर नहीं किया देन सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट इज नॉट कंसीडर्ड जबकि एग्जिट ग्रेडियंट की वजह से आपको मालूम है पाइपिंग फेलियर होती है तो फिर इसके लिए क्या किया एक लेंस था लेंस ने क्या है वेटेड क्रीप थ्योरी निकाली ठीक है बाकी सारी थ्योरी वही है सब कुछ वही है इन्होंने क्या कर दिया लेन प्रोपोज दैट हॉर्जोंटल क्रीप इज लेस इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अपलिफ्ट और कॉजिंग लॉस ऑफ जो क्रीप है एक में इसको साइलेंट कर ठीक तो। है तो इन्होंने क्या कर दिया कि जो हॉर्जेंटल क्रीप है वो लेस इफेक्टिव है वर्टिकल क्रीप जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है तो इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ थी उसकी केवल वन थर्ड वैल्यू जो है वो कंसीडर की तो वेटेड क्रीप लेंथ में क्या हो जाता है जो हॉर्जेंटल डिस्टेंस है उसका आप केवल क्या करेंगे वन थर्ड पार्ट कंसीडर करेंगे और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको फुल तो सेम फॉर्मूले में वहां पर जो हमने किया था वहां वन बाई थ्री बी प्लस टू टाइम्स डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री ये फॉर्मूला आपका क्रीप लेंथ का हो जाता तो क्रीप लेंथ अगर आप ब्लिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो तो बी प्लस टोटल वर्टिकल डिस्टेंस का डबल लेकिन अगर लेंस के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल का वन थर्ड लेंगे और प्लस वर्टिकल का टू टाइम्स लेंगे ठीक है तो बी इजिकल टू हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्ट एंड स्लोपिंग कॉन्टेक्ट लेस देन फोर्टी फाइव डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल अगर स्लोपिंग है तो स्लोपिंग सर्फेसिस को भी आपने क्या करना है बाकी सारी थ्योरी वही है

इंटरमीडिएट सीट पाइल्स इफ स्मॉलर इन लेंथर वन इन इफेक्टिव तो हम जो इंटरमीडिएट हम जो इंटरमीडिएट प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उनकी लेंथ वर्टिकल से कम है सॉरी आउटर वालों से कम है तो इसको प्रोवाइड करना ना करना एक बराबर है कोई मतलब नहीं है इसका ठीक है नेक्स्ट अंडर माइनिंग ऑफ फ्लोर्स स्टार्ट फ्रॉम डाउन स्ट्रीम एंड इफ हाइड्रोलिक ग्रीडियंट एट डाउन स्ट्रीम पॉइंट इज मोर देन दी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रीडियंट तो इन्होंने क्या कर लिया पाइपिंग को कंसिडर कर लिया जिसको ब्लिक्स ने कंसिडर नहीं किया था जिसको तो बेसिकली जो जो कमियां थी आपकी आपकी नहीं ब्लिक्स की उनको खोसला ने अपनी थ्योरी में क्या कर लिया कंसिडर कर लिया और इसीलिए वर्टिकल कट ऑफ एट डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ फ्लोर इज एसेंशियल टू प्रिवेंट अंडर माइनिंग या पाइपिंग ठीक है तो क्योंकि खोसला ने पाइपिंग को कंसिडर किया और खोसला को मालूम है कि पाइपिंग जब वो डाउन स्ट्रीम साइड में ज़्यादा होने के चांसेस हैं इसलिए डाउन स्ट्रीम साइड में वर्टिकल कट ऑफ जो होगा वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ठीक है द फ्लोर लेंथ इज फिक्सड सच दैट एट द डाउन स्ट्रीम एंड

ये वर्टिकल कट ऑफ ले लिया ये डी है और यहाँ से हॉर्जेंटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है बी है ठीक है समझ गए तो ये हॉर्जेंटल डिस्टेंस बी है वर्टिकल आपके पास डी है तो खोसला के अकॉर्डिंग जो एग्जिट ग्रेडियंट होता है जी वो होता है आपके पास एच अपॉन डी इंटू वन अपॉन पाई अंडर उमडा इस पर हम लोग क्वेश्चन कल होंगे इसके क्वेश्चन कम होंगे सेम इन पर सब पर क्वेश्चन मैंने एक्चुअली ऑलरेडी पहले ये करवा रखे हैं इसने थ्योरी में अभी बता दे रहा हूँ कल आप क्वेश्चन कर लेना इसके सब समझ में आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर ये यह जो लेमडा होता है ये लेमडा क्या होता है इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट में प्लस उल्फा स्क्वायर अपॉन टू दिस इज बेसिकली जो ए लिखा है ये ए ना होकर बेसिकली क्या है एल्फा है एल्फा और एल्फा क्या होता है बी अपॉन डी हॉर्जेंटल अपॉन वर्टिकल ठीक है हॉर्जेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस का क्या होता है रेशो होता है अब इनके अकॉर्डिंग दी अलाउेबल एग्जिट ग्रेडियंट शुड बी विद इन वन बाई फाइव टू वन बाई सिक्स ये रेंज हो गई ठीक है अपलिफ्ट प्रेशर इन फॉर्मूलों को याद करने का को कोई फायदा नहीं है इसको आप स्किप कर सकते हो अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर आपके पास ये अपलिफ्ट प्रेशर हेड के फॉर्मूले हैं कॉस इनवर्स की टर्म में ठीक है लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपके क्वेश्चंस केवल इसी फॉर्मूले पर आए हैं तो इतने वाले पार्ट को आप फिलहाल स्किप कर सकते हो देन एक फॉर्मूला आपका ये नॉर्मल स्कावर डेप्थ का कई बार पूछ लेता है आर एल इजिकल्स टू वन पॉइंट थ्री फाइव क्यू स्क्वायर अपॉन एफ वन की पावर थ्री क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर वन बाई थ्री नॉर्मल स्कावर डेप्थ है ठीक है तो क्या होता है जब वाटर फ्लो करेगा तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी सॉइल जो है वो हटती जाएगी तो कि इतनी स्कावरिंग डेप्थ जो है वो मिल जाती है फ्लो की वजह से इतनी मिट्टी हटने के चांसेज रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना होगा जो इसकी फाउंडेशन वगैरह वो आपने प्रोवाइड करनी पड़ेगी ठीक है तो ये आपका हो गया डाइवर्जन हेडवर्क डाइवर्जन अब डाइवर्जन के अलावा इसमें दो टर्म में आपको और बता देता हूं जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्रॉस ड्रेनेज वर्क इस क्रॉस ड्रेनेज वर्क में केवल और केवल दो टर्म आपने जाननी है इन्हीं पर क्वेश्चन आता है यूपीपीएससी ए दो हजार तेरह में भी इस पर क्वेश्चन था एक्विडक्ट एंड सुपर हालांकि इन पर ऑलरेडी में पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं क्यू में बट फिर भी समझ लीजिए एक्विडक्ट और सुपर पैसेज तो क्रॉस ड्रेनेज क्रॉस ड्रेनेज का मतलब क्या है जब दो ड्रेनेज एक दूसरे को क्या करेंगी क्रॉस करेंगी जिस तरह से रोड क्रॉस करती है उसी तरीके से क्रॉस करती इसमें भी वाटर फ्लो कर रहा है और इसमें भी क्या कर रहा है वाटर फ्लो कर रहा है ठीक है अब याद रखिएगा इनको आपने समझना है रिवर की टर्म इस में इसमें आपने क्या रिवर इज इम्पोर्टेंट हाँ अभी तो बताया बेटा वन बाई फाइव टू वन बाई सिक्स वन बाई फाइव टू वन बाई सिक्स ठीक है देखिए तो एक्विडक्ट डक्ट मतलब क्या है टनल टनल टाइप का स्ट्रक्चर ठीक है तो डक्ट तो जब रिवर कैनाल के नीचे से पास होती है ठीक है रिवर जब कैनाल के नीचे से पास होती है तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं एक्विडक्ट और सुपर पैसे सुपर मतलब ऊपर ठीक है तो जब रिवर ऊपर से पास होती है तो सुपर मतलब ऊपर तो जब रिवर ऊपर से पास होती है किसके ऊपर से कैनाल के ऊपर से कैनाल के ऊपर से तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं सुपर पैसेज बोल देते हैं जैसे आप देखिए दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्विडक्ट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्विडक्ट ये रिवर है ये रिवर क्या कर रही है यहां नीचे से फिलो कर रही है अब इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखो तो यहां देखना यहां ये नीचे रिवर फ्लो करेगी इसके ऊपर एक कैनाल जा रही है इस कैनाल के अंदर ही आपको स्टीम इंजन दिख रहा है ठीक तो है क्योंकि रिवर नीचे से पास कर रही है ऊपर है इसका जो उल्टा स्ट्रक्चर होगा हालांकि ये भी है क्योंकि ये रिवर है और ये कैनाल है ये भी है बट इसी का उल्टा सोच लो अगर मैं इसकी वृत कम कर दूं और इसकी विथ बढ़ा दू तो रिवर अगर ऊपर से जाएगी तो यही क्या बन जाएगा सुपर पैसेज बन जाएगा क्या बन जाएगा सुपर पैसेज बन जाएगा इंडिया में भी है ऐसे स्ट्रक्चर नेक्स्ट एक बहुत छोटा सा टॉपिक होता है स्पिल वेज ठीक है स्पिल वेज तो जो स्पिल वेज होते हैं इनको समटाइम्स हम लोग बोलते हैं सेफ्टी वाल्व ऑफ डैम्स पिक्चर मिली नहीं मैंने भी बहुत ढूंढी बट है तो ठीक है सिफोन का मतलब बेटा क्या होता है पहले वो इन्वर्टेड सिफोन होता है पहले वाटर का लेवल नीचे जाता है और फिर ऊपर जाता है ठीक है और उसका डायग्राम नहीं नहीं तो मैं बता देता ठीक है ना स्पिल भी शायद इसमें आ जाएगा तो स्पिल स्पिल मतलब क्या होता है एक तरीके से पानी का बिखरना तो बैराज है या कोई डैम है उसमें एक सर्टेन लेवल तक जो है वो वाटर वाटर क्या करेगा वाटर क्या करेगा राइज करेगा ठीक है फिर वाटर का लेवल अगर बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा और उसको आपने कंट्रोल वे में डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो वो आपके स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है नुकसान पहुंचा सकता है स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है नुकसान पहुंचा सकता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वाटर को एक सेफ तरीके से बाहर जाने का रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं उसी रास्ते को हम लोग बोलते हैं स्पिल वे जैसे यहाँ पर क्या होगा एक सर्टेन लेवल तक वाटर आएगा अब पानी यहाँ से जब ऊपर से गिरेगा ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया एक पाथ प्रोवाइड कर दिया वाटर को या एक अलग से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया कि वाटर यहाँ से एक्स्ट्रा वॉटर किस तरीके से रिलीज हो जाए तो यही हमारा क्या होता है स्पिल वे होता है ठीक जैसे यहाँ पर भी क्या बना हुआ है ये स्पिल वे बना हुआ है यहाँ से आपका ये वाटर जार है अब अलग अलग तरह के स्पिल वेज होते हैं उसका हम लोग देखेंगे अब देखिए पहला नेसेसिटी ऑफ स्पिल द स्पिल वेज आर ओपनिंग्स प्रोवाइडेड एट द बॉडी ऑफ द डैम टू डिस्चार्ज सेफली द एक्सेस वाटर और फ्लड वाटर व्हेन द वाटर लेवल राइजेज अब लेवल ठीक है प्रोवाइडेड टू डिस्चार्ज द एक्सेस फ्लो तो सिंपल सी बात है जो एक्सेस फ्लो है उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग स्पिलवेज यूज करते हैं टाइप्स ऑफ स्पिल वे क्या है तो पहला है आपका फ्री ओवरफॉल और स्ट्रेट ड्रॉप स्पिल इसमें क्या होगा वाटर सीधे वर्टिकल यहां से गिरेगा ठीक है जैसे ये आपके पास ये है ये स्टेट ड्रॉप है यहां से वाटर सीधे सीधे वर्टिकली क्या कर रहा है वर्टिकली आपका क्या कर रहा है नीचे गिर रहा है ठीक है ये हो गया तो अगर मैं इसका साइड व्यू देखूँ तो इस तरीके से होगा ये वर्टिकल वॉल है यहां से वाटर का लेवल होगा और ये सीधे सीधे इस तरीके से नीचे गिरेगा ठीक है इसी तरीके से ओजी स्पिलवे जो होता है ओजी स्पिलवे में आपको क्या दिख रहा है ये जो शेप है ये कर्व शेप है तो जैसे वो बच्चों का झूला होता है ना पार्क में ठीक है वो वाला झूला तो जैसे स्लिप होते हुए गिरते हैं ये इस तरीके से ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा ओजी स्पिलवे हो जाएगा Then होता है साफ्ट स्पिलवे ठीक है इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये वेल माउथ स्पिलवे भी शायद इसको हम लोग बोलते हैं ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का अभी स्ट्रक्चर बना दिया हमने देख रहे हैं तो जब तक वाटर का लेवल इससे नीचे रहेगा तब तक वाटर इसके अंदर एंटर नहीं करेगा ठीक है चारों तरफ पानी भर जाएगा जब वाटर लेवल यहां इसकी बाउंड्री पर पहुंच जाएगा मतलब इस तरह से यहां इतना वाटर तो एक्सेस वाटर एक्सेस वाटर क्या हो जाएगा इसके थ्रू दूसरे साइड में निकल जाएगा तो यहां पर ये इस तरीके से ओपनिंग रहेगी ठीक है वेल टाइप और नीचे क्या होगा एक बैंड पाइप होता है इसमें क्या होता है बैंड पाइप होता है तो साफ्ट स्पिल क्या अ साफ्ट स्पिल भी इज अ टाइप ऑफ स्पिल विच कंजिस्ट ऑफ अ वर्टिकल साफ्ट फॉलोड बाईट हॉर्जेंटल कॉन्ट्रीट मतलब एक बैंड होगा तो यहाँ पर वर्टिकल साफ्ट होगी और बाद में हॉर्जेंटल पाइप होगा और उसके थ्रू वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा ठीक है भाई इसके बाद होता है शूट स्पिलवे शूट स्पिलवे में क्या होता है इस तरह का एक नैरो चैनल होता है इस तरह का एक नैरो चैनल होता है और यहाँ से वाटर इसके थ्रू आपका जाएगा ठीक है इस तरह का ये नैरो चैनल इसमें होता है फिर आपका होता है साइड चैनल स्पिलवे साइड चैनल स्पिलवे मतलब जो रिवर होगी आपका जो मेन वाटर बॉडी है उसके साइड में जो है एक दूसरे जो स्मॉल चैनल है प्रोवाइड कर देंगे सिफॉन स्पिले जिसको सिफॉन समझना था आप यहाँ भी देख सकते हो ठीक है तो सिफॉन में क्या होगा कि इस तरीके से वाटर लेवल जब राइज करेगा तो वाटर इसमें ऊपर जाएगा और फिर इस तरह से नीचे जाएगा तो सिफोन टाइप बन जाएगा ठीक है सिफॉन एक्चुअल में देखना है तो ये रहा भाई इधर लेवल बढ़ेगा और सिफॉन एक्शन के थ्रू पानी जब इधर जाएगा तो आपका सिफॉन स्पिले हो जाएगा ठीक है दूसरा ये लेवरिथ स्पिले इस इसमें इस तरह के स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे इनके थ्रू वाटर जाएगा तो अलग अलग टाइप्स हैं बाकी मैने कि स्पिलवे का फंक्शन क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए फिर जो डिस्चार्ज इक्वेशन होती है स्पिल वेज की उसको वो इस तरह से लिख सकते हैं आप क्यूज टू सी इंटू एल ई की पावर थ्री बाई टू यहाँ पर बस इतना याद रख लो कि डिस्चार्ज है, है ठीक है सी आपका, आपका कोफिशियंट है जिसकी वैल्यू टू पॉइंट वन से टू पॉइंट फाइव तक है एल जो है वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ क्रेस्ट है इसना बेटा उसके लिए fluid mechanics उसके लिए आप एफ एम पढ़ो बर्नोली थ्योरम नेगेटिव प्रेशर कैसे आता है तो आपको मैंने कैविटेशन निगेटिव प्रेशर ठीक है वो सब बताया हुआ है बर्नोली थ्योरम के लिए उसके लिए आपको फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो सिफॉन स्पिल भी हो जाएगा उसके लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये है क्यू इज इकल टू सी इंटू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच ठीक है बाकी इसमें जो ये वेव हाइट है और जो फैच लेंथ है ये सब आपको डैम में बताया हुआ है ठीक है तो डैम में जहाँ पर आपको वेव फोर्थ बताया गया वहां पर ये चीजें आपको बताई हुई हैं तो ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे क्या भाई तो मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे बाकी जो भी मैंने बताया है अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचता है आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क्स उसको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर रखा है तो कल आपके शायद एक या दो सेशन प्रीमायर होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो जो भी हमने थ्योरी के थ्रू किया है आज उस पर बेस्ड बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज के ई के क्वेश्चन हैं तो उनके थ्रू ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दोबारा हो जाएंगे चाहे वो खोसला थ्योरी हो उस पर क्वेश्चन करवाए हुए हैं वो जो लेमडा वाला फार्मूला है उसको कैसे यूज़ करते हैं ब्लिक्स थ्योरी पर भी उसमें क्वेश्चन हैं ठीक है क्रॉस क्रॉसजेनिस वर्क के क्वेश्चन हैं ठीक है तो मतलब जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं सब पर उनमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन हैं तो फिलहाल एग्जाम क्योंकि बहुत करीब है ठीक है तो जितना करवाया जा रहा है उतना कर लीजिए उसी में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएगा अब मैं फिर बोल लूँगा जिनको सिंसियरली लेक्चर वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं अब बहुत ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागो ठीक है जितना भी अभी तक आपने पढ़ लिया है सबसे ज़्यादा रिविज़न कीजिए ठीक है क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो आपके सेशन चलेंगे मिक्स क्वेश्चन वाले जो डेली दो तीन सेशन होने हैं शाम में केवल उनको अटेंड कर लो बाकी पूरे दिन में आप पूरा दिन आपके पास रहेगा मेरे जो सेशन होंगे वो सामने होंगे ठीक है पूरा दिन कोशिश करो आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी रिवाइज करो खुद से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मत करो आप कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेना थोड़े बहुत ताकि एक कैलकुलेटर चलाने की थोड़ी हैबिट हो जाए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रहे और इनफैक्ट इनफैक्ट क्लासेस तो अभी चलेंगी कम से कम फाइव डेज तो आप फ्राइडे तक मानकर चलो ठीक है बाकी क्लासेस चलती भी रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं वो आपके ऊपर अटेंड करना ना करना तो देखो अब एक बात और समझो कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ है क्योंकि तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला याद है और कैलकुलेटर आपको दिया हुआ है तो अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाने की जरूरत पड़ेगी तो मेरे ख्याल से अब आप अगर थ्योरी पर ज़्यादा फोकस कर लें फॉर्मूलों को याद करने पर ज़्यादा फोकस कर लें जो भी फॉर्मूले हैं उनको लिख लिख कर याद करें थ्योरी पढ़ें थ्योरी पढ़ते समय ही सोचें कि इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ठीक है हाँ वो गेट में थोड़ी सी कम रहती है इस वजह से मैंने बोल दिया बाकी ये वाला तो आपको खूब आदत है समझ रहे हैं बात को तो इसने आप थ्योरी पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए और बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया अगर आप मेरे साथ लगे हुए हैं तो कम से कम एक सौ सेशन तो हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस के कर ही लिए हैं तो इतने सेशन हम लोगों ने क्यू आर पी के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के किए हैं कि अब बहुत ज़्यादा जो है वो करने को है नहीं मैंने कि जितना पढ़ा है उसको आप एग्जाम तक रिटेन कर सकें ठीक है सिविल बूस्टर से पढ़ लो जीके पब्लिकेशन से पढ़ लो कहीं से ही पढ़ लो ठीक है का कब तक आएगा वैसे क्या एई का कब तक आएगा एडमिट कार्ड <laughs> जो एग्जाम सामने बेटा पहले उसे कर लो उसका भी एक हफ्ते पहले आसा देगा ठीक है फिर जाइए पढ़ाई कीजिए ठीक है मैं कभी कल बोल रहा था मैं कि भैया पोस्टपोन के चक्कर में मत पड़ो बहुत मुश्किल है ठीक है बहुत मुश्किल है एग्जाम पोस्टपोन होना तो आप लगे रहो देखो वही वो फालतू में अफ्बाएं फैलाई जा रहे थे लोग कल ही हमने बात की थी अफवाहों पर ध्यान ना दें पढ़ाई करते रहें जब दस दिन पहले ही एग्जाम पोस्टपोन होता है और दस दिन बाद की डेट डिसाइड होती है तो कोई भी दोबारा से एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेगा बहुत सोच समझ के नई डेट रखी जाती है ठीक है QRP के मिड सेशंस काफी भूल रहे हैं ये बिल्कुल लगेगा एग्जाम के एक दिन पहले लगेगा सब कुछ भूल गए ठीक है बहुत पढ़ लिखे आपने उसमें आप फोकस करके रखिए सर गुप्तन गुप्ता लगाना ज़रूरी है हाँ गुप्तन गुप्ता लगाना ज़रूरी है उसके अलावा खुरमी लगाना ज़रूरी है आर अघोर लगाना ज़रूरी है ई एस सी के क्वेश्चन लगाने जरूरी हैं गेट के क्वेश्चन लगाने जरूरी हैं और यूथ पब्लिकेशन ए लगाना भी बहुत ज़रूरी है उसके अलावा हमारे क्यू आर पी के सेशन और एम क्यू भी बहुत ज़रूरी है ये सब बहुत ज़रूरी है बिना इनके सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है हर बार हर बार कब से समझा रहा हूँ कब से समझा रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जाम के एक हफ्ते पहले एग्जाम के एक महीने पहले हैं। इस तरह की फर्जी बातें कर रहे हैं कॉप रहे हैं बच्चे कांपो <laughs> तो मत अरे यार अपने ऊपर भरोसा रखो एक साल से डेढ़ साल से पढ़ रहे हो तो सोचो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी ने किया होगा <clears throat>

वेद कुमार आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते हो मेरी मर्जी मैं नहीं ले रहा डेली क्लास जबरदस्ती है नहीं ले रहा मैं क्लास ठीक है बेटा मुझे लगता है कि तुम खुद ही महीने में एक बार आ जाते हो शायद ठीक है मुझसे कह रहे हो डेली क्लास नहीं लेते भैया डेली क्लास हो रही है दीके। 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 कौन से दिन क्लास नहीं हो रही बताओ कल क्लास नहीं हुई कल भी क्लास हुई थी कल बल्कि दो दो क्लास हुई थी कल दो क्लास हुई थी ना मेरे ख्याल से बेसिक क्लियर करने के लिए बुक बताइए सपना जी बेसिक क्लियर करना और बुक से ये भी सपने जैसे ही है ठीक है तो बुक से तो बेसिक सपने में भी क्लियर नहीं हो सकते ठीक है तो बुक से पढ़कर बेसिक क्लियर नहीं होंगे पंचवर्षीय योजना बन जाएगी तो जितने रुपए की आप किताबें खरीदोगे उतने रुपए का विज़न बैच खरीद लो आपको पीडीएफ आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी ठीक है बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे विजन बैच ले लीजिए अगर वास्तव में बेसिक क्लियर करना चाहते हैं नहीं तो दो साल तीन साल बुक्स से टाइम खराब करते रहेंगे ठीक है कुछ नहीं होगा अरे यार तुम तो इल्ज़ाम लगाओगे तो मैं क्या करूँगा बताओ आप इल्ज़ाम लगाओगे एक तो वैसे दर्द ऊपर से इल्ज़ाम लगा दो कि, कि आप देखो आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते <laughs> मेरा जैसे कोई भाई मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ ना मेरे ऊपर मेरा एच बैठा है मुझसे आके रहा है भाई साहब सैलरी काट लेंगे तुम्हारी डेली क्लास नहीं लेते हो तुम ठीक है वो भी तब जब अगर किसी दिन क्लास नहीं होती है, उसके लिए भी एडवांस में रात के एक एक दो दो बजे तक जाकर क्लासेस एडिट करके अब जैसे आज आज भी दो क्लास हुई हैं ठीक है अब देखो मैंने ये वाली क्लास थ्योरी की लेनी थी तो आपका मिक्सड क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आपका खाली ना जाए उसके लिए मैंने आपका लेक्चर एडिट करके डाल दिया वो वाला लेक्चर याद होगा ये क्या था मोहित कहता डीजे वाला उसमें बहुत शोर था गाने वाने आ रहे तो मैंने वो सारी आवाज़ें उसमें से एडिट करके कट करके सोचो कितनी मेहनत लगी होगी फिर वो वीडियो अपलोड किया आज और आप क्लास को बाद में देखोगे तो देखोगे बीच में कितनी बार जो माइक म्यूट होता है ठीक है तो इतनी कांसी वासी सब होते हुए पढ़ा रहे हैं यार ए बन गए सर आप कितने खुश हैं हाँ यार सी बात है लाइफ में एक सिक्योरिटी आ जाती है तो खुशी तो होती है तो ये आपके लिए भी जो है एक मोटिवेशन फैक्टर है और ये बात फैक्ट है ठीक है आप ए बन जाएंगे तो लाइफ सिक्योर हो जाएगी तो उसकी खुशी रहेगी फिर आप किसी भी फ्रंट पर आप फ्री होकर खेल सकते हो ठीक है अब जैसे अब से एक साल पहले तक मैं पढ़ा रहा था लेकिन पढ़ाते समय क्या था मुझे फाइनेंशियल टर्म में भी सोचना था अपने फ्यूचर के बारे में अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचना था कोविड जैसी सिचुएशन सामने थी ऐसे में कुछ हो जाए ठीक है तो आप समझ रहे हो बट ठीक है अभी गवर्नमेंट जॉब होती है अच्छी जॉब होती है तो लाइफ जो है वो मतलब फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती तो आप लोग भी रहो और सबसे बात यह कि ए की जॉब में यह है ना कि आप इससे ज़्यादा पैसा कॉर्पोरेट में भले से कमा लो एक अच्छी जॉब पर लेकिन आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पर टेन टू फाइव में भी उतना वर्क मतलब लोग उतना टाइम नहीं देते हैं ऑफिस में थोड़े समय बाद बट स्टिल आपके ऊपर है आप चाहो तो टेन टू फाइव में अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करो तो उसके बाद आपके पास समय ही समय है सर ध्रुव कहाँ एक छोटा सा ध्रुव का सेशन अभी करवा दूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी वो तो कहेगा कि जाओ खेलो मजे करो पढ़ाई पढ़ाई सब मुँह में आया है ठीक है तो उसका सेशन एग्जाम के एक दिन पहले मूड फ्रेश करने के लिए ठीक है अभी नहीं सर पेपर में कैल्शी अलाउ कर दिया इज देयर एनी डिफरेंस इन लेवल तो रजा मैंने अभी शाम में जो एक मिनट का सेशन एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला था उसमें तो मैंने ये बात कही है समझ रहे हैं तो बेटा झोला छाप तो डॉक्टर होता है इंजीनियर थोड़ी ना झोला छाप होते हैं जो वेद कुमार गौतम झोला छाप तो डॉक्टर होता है इंजीनियर थोड़ी ना होता है बेटा सर कब से क्लास शुरू हो गई अरे क्लास तो शुरू हो, के ली हो गया खत्म भी हो गई अब तो बातें बना रहे हैं आप लोगों के साथ ठीक है तो मैं ये बोल रहा था कि लास्ट टाइम कोई ऐसा एग्ज़ाम था मैकेनिकल का था और उसमें कैलकुलेटर अलाउ था मुझे पेपर याद नहीं आ रहा कौन सा था तो कैल अलाउ होने की वजह से मतलब इस तरह की अफवाह थी कि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो हाई होगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है बट बाद में जब पेपर आया तो उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े मतलब या तो न्यूमेरिकल थे नहीं और न्यूमेरिकल थे तो इतने ईजी थे कि वो मैनुअल कैलकुलेशन से ही हो गए तो जरूरी नहीं है यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ किया है तो पेपर का लेवल हाई होगा ही होगा दूसरी बात यार वही है कि कैलकुलेटर जो होता है वो किसने होता है कैलकुलेशन करने के लिए होता है कैलकुलेटर का मतलब ये नहीं कि पेपर का लेवल हाई हो जाएगा कैलकुलेटर का मतलब सिंपल सा वही है कि अगर एंगल की वैल्यू टेन फोर्टी फाइव है तो आपको वैल्यू मालूम है लेकिन वही एंगल अगर ट्वेंटी एट डिग्री है थर्टी सेवन डिग्री है तो वैल्यू आपको नहीं मालूम वहां पर आप कैलसी यूज़ कर लें स्क्वायर रूट ऑफ़ थ्री है स्क्वायर रूट ऑफ टू है तो आप ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ सेवन है स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन है स्क्वायर रूट ऑफ़ ट्वेंटी थ्री आ गया उसके लिए कैलसी यूज़ करना पड़ेगा ठीक है तो कैलकुलेटर केवल आपकी न्यूमेरिकल आपकी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए है ना फार्मूला तो वही लगने वाला है सर इंग्लिश ग्रामर के लिए तैयारी कैसे करें अरे कोई भी नाइन टेन लेवल की ग्रामर की बुक उठा लो इंग्लिश की यार एयरपोर्ट अप करने के चक्कर में मत रहो एग्जाम के दो चार दिन पहले ब्रिज कर लो उतना काफ़ी है एयरपोर्ट का एक आध क्वेश्चन आया था है, नहीं तो नहीं आएगा ठीक है लेकिन एई के लिए करवा देंगे टनल और एयरपोर्ट ए वाले पेपर से पहले करवा देंगे लेक्चर के लिए मत करो लेक्चर के सिलेबस में तो शायद ब्रिज भी नहीं है लेक्चरर के सिलेबस में ब्रिज टनल एयरपोर्ट कुछ भी मेंशन नहीं है ठीक है तो उस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं शिवम उपाध्याय पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो बेटा लेक्चर देखो आप ध्यान से ये कुछ विदेशी प्रभु क्यों हमारे चैनल पर इतनी कृपा बरसा रहे हैं करें बेटा आओ कितने कमेंट करोगे सर फोटोग्रामेट्री भी करवा दीजिए फोटोग्रामेट्री मैंने करवा रखा है एक क्यूआरपी सेशन में पूरा फोटोग्रामेट्री के क्वेश्चन करवा रखे हैं उन क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं ठीक है करवा देंगे सर आप ओल्ड स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रहे तो ये बाकी सारे क्या बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं जिनको रिप्लाई कर रहे हैं रिप्लाई करने का है ना कि जो काम का है उसको रिप्लाई करेंगे अब जॉइनिंग हो गई कहाँ हो गई गाड़ी मिली कि नहीं मिली यार इन सबका रिप्लाई थोड़ी ना करूंगा मैं यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड काम करोगे बातें करोगे तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा सर आरसीसी के यूथ वाले क्वेश्चंस कराइए बेटा पहले आप तुमने आरसीसी के लेक्चर देखे ही नहीं इसका मतलब अब बताओ अब ये भाई साहब कह रहे हैं आरसीसी के यूथ वाले क्वेश्चन कराइए है ना अब आप, आप अचानक आज आदि से जागे आपने सेशंस देखे नहीं तो सर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ इसका मैं क्या रिप्लाई करूंगा ठीक है पूरी यूथ सॉल्व करवा दी यहाँ पे टॉपिक वाइज करवा दिए सारे क्वेश्चंस करवा दिए आपने सेशन देखे ही नहीं है इसका मतलब तो पहले आरसीसी के सेशन देख लो ना अगर नहीं करवाए होते उसके बाद कहना चाहिए था बहुत बढ़िया तौसीफ यार मुझे केवल तीन ही कैलकुलेटर का मालूम है 991ms 991es और आपका MS, बस मैंने इन्हीं कैलकुलेटर्स को यूज होते हुए देखा है इसके अलावा नहीं मिल रहा फोटोग्राफिट्री वाला नहीं मिल रहा है तो मैं देखूंगा दोबारा से उस उसको प्रीमियर कर दो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले जो क्यूआरपी सेशंस से, हैं जो क्यू आर पी सेशन है उन क्यू आर पी सेशन में मैंने ज्यादातर आपके यूथ के ही क्वेश्चन कवर किए हुए हैं मिक्स क्वेश्चन में क्योंकि यूथ के क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं इसने यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट रखने के लिए थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये गेट के और ई एस सी के क्वेश्चन कराए हैं ठीक है क्योंकि आप यूथ के क्वेश्चन इतने करवाएं कि आप खुद से करो लगे वही टू प्लस टू फोर करवाने से फायदा नहीं है इसने वहाँ पर थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन लिखे तो यूथ के क्वेश्चन जिनको चाहिए वो क्यू आर पी वाले सेशन्स देखिए ठीक है इसी तरह से टर्वाइन है आपका हाइड्रोलिक मशीन हो गया पंप टर्वाइन है ओपन चैनल फ्लो है क्यू आर पी में मैंने इन पर ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन करवाए आप सेशन देखो तो सही सर पेड बैच में यूट्यूब से अलग कितना है जो यूट्यूब पर नहीं है वो पेड बैच में सिंपल सी बात है जो यूट्यूब पर नहीं है वो पेड बैच में फ्लुइड मैकेनिक्स मैराथन <laughs> क्या इससे लेक्चर से पहले चाहिए लेक्चरर से पहले चाहिए या ए से पहले चाहिए अब कर अब करवाऊँ क्या चलो जाओ पढ़ाई करो क्यों टाइम खराब कर रहे हो ठीक है जाओ भाई पढ़ाई करो सर कोर्ट के क्वेश्चन बेटा आरसीसी और स्टील के जो भी क्वेश्चन ऑब्वियस है तो कोर्ट पर ही बेस्ड है कोर्ट से ही क्वेश्चन कराए हैं ठीक है अभी करा दें। चलो देखता हूं अगर हो सकेगा तो अरे कृष्णा रतूडी तुमने तो पेड वैच लिए रखा है ना वहां पे तो ऑलरेडी मैंने बहुत कम लेक्चर्स में एफएम करवा रखा है सर वाइस एग्जाम के, के बाद अरे मैं एग्जाम के बाद क्या एग्जाम से पहले ही एस और गेट के करवा रहा हूँ एग्जाम के बाद क्या सर फ्लूड में थोड़ी दिक्कत हो रही है न्यूमेरिकल्स में बेटा पहले पीडीएफ से करो और पीडीएफ से क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्यूआरपी देख लो ठीक है नहीं ऐसा नहीं है कि पेपर टू ही करवाएंगे पेपर टू के सेशन जो होंगे पेपर के जो होंगे उनको प्रीमियर के थ्रू करेंगे और पेपर वन लाइफ बिजनौर से हैं शिवम उपाध्याय है, बहुत बढ़िया <laughs> तो कह रहा है पेड बैच में सर थप्पड़ ही मार देते हैं बस इतना अलग है हाँ भैया पेड़ वैच में बच्चे को थोड़ा सा डांट जो है वो ज़्यादा खाने को मिलती है ठीक है वहां पर इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि वहां बच्चे ने पैसा जमा किया तो भाग नहीं सकता वो यूट्यूब पे तो बच्चा कहेगा कि यार आज आ रहा हूँ कल को नहीं आऊंगा सर डांट देते तो पेड़ वैच में ये है कि हाँ शुरू शुरू में तो बहुत डांट खाई थी बच्चों ने आप खैर सुधर गए तो या तो लाइव आना बंद कर दिया नहीं तो वो सराफत से पढ़ते हैं वहां आकर इतना है पेड़ वैच में लाइव वॉचिंग का पहले लाइव वॉचिंग ज़्यादा रहती थी मैं डांट देता था तो फिर वो लाइव वाचि धीरे धीरे कम हो गई अब सस्टेनेबल है अब वही आते हैं जो डांट खाने को तैयार रहते हैं बाकी फिर बाद में देखते हैं ऑफलाइन लाइव नहीं आते ठीक है चलिए थैंक यू बाय बाय ये मैं पीडीएफ आपको दे दे रहा हूं ठीक है पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट एवरी वन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बेटा वीडियो के डेस्क्रिप्शन में है वीडियो के डेस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ठीक है चलिए तो आज के लिए इतने यूपीपीएससी यही के लिए जीके कहाँ से कवर करें पहले बेटा लेक्चर का एग्जाम देख लो तो उसके बाद कर लेना प्रीवियस क्वेश्चन कर लो ठीक है सीपीएम पार्ट रह गया कैसे रह गया करवाया तो है सीपीएम पार्ट तो आपका खाली क्यू आर पी सेशन से कवर हो जाएगा और क्यू आर पी सेशन से कवर हो जाएगा और साथ में मैंने क्यू आर पी इसकी सीपीएम पार्ट की तो मैराथन भी ली है एक घंटे में मात्र आपका पूरा सीपीएम पार्ट हो जाएगा और डिटेल लेक्चर भी केवल पाँच क्लासेस में पूरा खत्म है वहां से भी कर सकते हैं ठीक है सर इरिगेशन के आज के टॉपिक के क्वेश्चन बेटा वो कल मिलेंगे सर एग्ज़ाम के एक दिन पहले पहुंचना ठीक रहेगा या एग्ज़ाम वाले दिन सुबह पहुंचना अगर एक दिन पहले पहुंच जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर दूसरे सिटी में क्योंकि सुबह में साढ़े नौ बजे एग्जाम है अगर आप अपने सिटी से दूसरे सिटी जाते हो तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा फिर ट्रैवल करना पड़ेगा और एक दिन में दो पेपर हैं तो फोकस करने में दिक्कत होगी ठीक है और अगर आपके घर के आसपास में सेंटर हो तो एक दिन पहले मत पहुंचना फिर उसी दिन एग्ज़ाम दे लेना जाके ठीक है अच्छा मतलब कि आपने नहीं पढ़ा हाँ तो पढ़ना जरूरी है सीपीएम पार्टी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पढ़ना जरूरी है ठीक है शिवम उपाध्याय क्या नाम है आपके चाचा जी का बालक ठीक है चलो आज आप मुझे लग रहा है आप लोग आज पढ़ाई लिखाई के इच्छुक नहीं हो आप आप चारे बस बातें होती रहे हम लोग बैठे रहे हैं। मत डर के आगे जीत है लेकिन स्प्राइट मत पीजिएगा गला खराब हो जाएगा हाँ गर्ल्स के लिए सीट्स तो रिजर्व है ट्वेंटी परसेंट सीट्स आपकी हैं गर्ल्स के लिए ये आपके एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा यूपी में ठीक है एफएम और टर्वाइन की मैराथन ऑलरेडी मैराथन क्लासेस में कवर करवाया हुआ है ठीक है तो एजू टैग पर है लेकिन वो मैराथन अभी वहां से यहाँ पर अपलोड नहीं हुई है उनका अपलोड कर देंगे ठीक है चलो ठीक है यार पढ़ाई करो बाय 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 मैं अब कल की क्लासेस आपको एडिट कर दूं ठीक है गुड नाइट